अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ना, गाना तो मैं आपको ना सुनाऊंगा ही, मगर गाने के साथ साथ जो है ना, मैं थोड़ी सी आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। वो इंफॉर्मेशन ये है कि गाना तो बहुत सारे लोग ना गाते हैं ना, तो शौक भी होता है, गुनगुनाते भी हैं। अगर वो गाने के साथ जो हल्का सा जो है ना अपना ना गिटार जो है वो उसको प्ले करना भी थोड़ा सा सीख लें, इसमें मुश्किल वाली कोई बात है नहीं। सिर्फ आपने, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल आपको ना देता हूँ। अब ये एक गाना है, क्या हुआ तेरा वादा ना, मैं ना गा रहा हूँ बगैर ना गिटार के ना। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अच्छा जी, अब मैं इसको, अच्छा ये मैं अभी कुछ, मुझे एक आम समझें कि मुझे बिल्कुल गिटार बजाना नहीं आता, और जो है ना एक आम आपने लिया है ना गिटार, और आपने सिर्फ इसने पकड़ लिया है इसको इस तरह अपनी लैप के अंदर, जो जो राइट साइड की जो आपकी है ना अपना लेग, उस पर उसकी जो गिटार को रखा हुआ है आपने ना, गिटार की ना बॉडी को ना, तो अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ ये जो लेफ्ट साइड की जो है ना आपकी फर्स्ट फिंगर जो ना थंब के बाद है फर्स्ट फिंगर, इसको आप ना ये देख रहे हैं आप, ये गिटार में ये फर्स्ट एक है और ये सेकंड है। सेकंड के जो है ना फोर्थ स्ट्रिंग पे आपने इस उंगली को रखना है, अपनी फर्स्ट उंगली को, और जो सेकंड या जो अपना मिडल फिंगर है इसको आपने उससे जो अगला पोर्शन है उसकी फिफ्थ स्ट्रिंग पे, मैंने जो स्ट्रिंग काउंट की है वो की है ना बॉटम से ना, तो कुछ बस। अब अगर यही मैं ये दूसरी उंगली ऐसे रखी हुई है मैंने ना, और अगर ये अपनी इस उंगलियों को इस तरह पकड़ा है, जिस तरह कोई किसी चीज़ को अगर कोई आप ना धागा सुई के अंदर डालने के लिए वो पकड़ते हैं ना धागे को, उस तरह सिर्फ पकड़ के ना अपनी उंगलियों को ऐसे, उसने आपने स्ट्रिंग्स के ऊपर जो है गिटार की डाउन स्ट्रोक्स लगाने ऐसे, और प्रैक्टिस करते करते जाना है, जिससे आपकी जो है ना ये इस तरह स्ट्रोक जो लगा रहे हैं डाउन स्ट्रोक ना गिटार के ऊपर, उसमें एक्सपीरियंस आ जाए और एक रवानगी आ जाए। तो अब मैं यही गाना जो है ना आपको ना सुना रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, कोई सिर्फ एक न, ये कर रहा मैं, और ये उंगलियां मेरी बस्तूर यहाँ पे हैं जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है ना। क्या हुआ वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ मेरा वादा, ये एक सेकंड स्टेप। अब ना एक और चीज, अब आप यहाँ भी नहीं, मैं ये देखें ये उंगलियां में रख रहा, सिर्फ गिटार को इस तरह पकड़ के ना अपनी लैप के अंदर, सिर्फ अपनी ये दो के हाथ ऐसे करके ना, जैसे क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। तो ये डिफरेंट ना काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज आप ना है ना कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई सीखने वाली बात है नहीं, सिंपल, इसमें जो है आपका यू कैन हैव अ गुड टाइम ना, आप अपने लिए भी ये बजा सकते हैं कि लोगों के लिए भी बजा सकते हैं। बार दफ़ा आपका मतलब जस्ट अच्छा लगता है कि भाई जो है आप जो है ना कोई नया स्किल्स सीखें, और जिसमें मैंने इसमें बताया आपको कि इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, ये एक बिल्कुल बिगनिंग, आप इस तरह जो है ना अपना स्टार्ट ना कर सकते हैं अगर आप ना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते फिर भी ठीक है, अगर आप वैसे ही गाना गुनगुनाना चाहते हैं उसमें भी कोई हर्ज है नहीं, मगर ये डिफरेंट ऑप्शन मैंने आपको ना दी है ना। एक और भी ऑप्शन है, अच्छा अब आप अगर गाना गा रहे हैं कि भाई
सिंपल बैठे हुए, मैं बैठा हूँ स्टैटिक, ठीक है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अच्छा, अब अगर मैं इसको जो है यही गाना गाते हुए, ये जो मैं बजा ऐसे ऐसे कर रहा था एग्जैक्टली यही करते हुए, हल्का सा अगर अपनी ना बॉडी को हल्का हल्का मूव करूं, तो लेट्स सी कि जो ना गाने में ज़्यादा रवानगी आती है या ना कैसा आता है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा।